नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सोनाली थप्पड़ कांड पर सीएम ने कहा, मामले की तफ्तीश चल रही है, जो भी फाइंडिंग आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा, दोषी को किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा, निर्दोष के साथ कोई भी जाति नहीं होने दी जाएगी। मेरा पानी मेरी विरासत योजना पर भी बोले सीएम, किसानों का मिल रहा है सहयोग। इस बार 1,00,000 हेक्टेयर पर धान लगाने का टारगेट 55,000 हेक्टेयर पर किसान जता चुके हैं सहमति, जून माह में टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। अभी किसी प्रकार से स्कूल खोले जाने की योजना भी नहीं, समय अनुसार फैसला लिया जाएगा। पल पल फतेहाबाद से राजेश फांबू की विशेष रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज फतेहाबाद के रतिया पहुँचे, यहाँ पर किसानों से भी मिले। सीएम ने मेरी फसल मेरा विरासत योजना के अंतर्गत किसानों से चर्चा भी की। उन्होंने प्रदेश में चर्चित हुए सोनाली फोगाट जूता कांड पर भी बोलते हुए कहा कि मामले की जांच चल रही है, जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि मामले में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, इसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने प्रदेश में बढ़ते कोरोना प्रभाव पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना शुरुआत में प्रदेश के हालात अच्छे थे, मगर 2-3 दिन ऐसे फैक्टर सामने आते चले गए जिसके कारण प्रदेश में कोरोना फैलता चला गया। इसमें ऐसे लोग भी हैं जो दिल्ली जाने वाले हैं और दिल्ली से आने वाले हैं, इनके कारण प्रदेश में कोरोना सिस्टम बिगड़ गया। प्रदेश के आला अधिकारी इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि कोरोना जल्द से जल्द काबू कर लिया जाए। इसके लिए अधिकारी जिला स्तर पर जाएंगे और वहीं पर स्थिति को देख करके समीक्षा भी करेंगे। अगर कुछ सामान अथवा किसी प्रकार की योजना की जरूरत हो तो पूरी कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना पर बोलते हुए कहा कि प्रदेश में कुछ इलाकों में भूजल स्तर बढ़ी है और कई इलाकों में तेजी से नीचे भी गया है। ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है और किसानों से अपील की गई है कि वे धान न लगाएं, बल्कि धान की बजाय कई परंपरागत फसलें लगाएं। उन्होंने कहा कि अभी तक 55,000 हेक्टेयर धान में न लगाने के लिए किसानों ने सहमति जता दी है। उन्होंने कहा कि 1,00,000 हेक्टेयर धान न बोने का टारगेट भी जून माह तक पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कुछ ऐसी जमीन भी जो कि फ्लड एरिया में आती है, यहाँ पर धान के अलावा कोई भी फसल नहीं हो सकती, ऐसी जमीन पर किसान रिचार्ज बोर लगवाएं और जिसे भू स्तर जल और आगे बढ़ जाएगा तथा उसमें सुधार होगा। इसके लिए सरकार भी किसानों का सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने प्रदेश में स्कूल खोले जाने के सवाल पर बोलते हुए कहा कि प्रदेश में स्कूल खोले जाने की अभी कोई योजना नहीं है। 15 जुलाई तक कॉलेज तथा 15 अगस्त तक सेकेंडरी स्कूल और 31 अगस्त तक प्राइमरी स्कूल खोले जाने की कोई योजना फिलहाल नहीं है, अगस्त के बाद ही स्थिति को देख करके फैसला लिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि कॉलेज में फाइनल परीक्षा जुलाई से होगी, बाकी सेमेस्टर में एवरेज बेसिस के में पास कर दिए जाएंगे। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट कि हमने पानी के संकट को दूर करने के लिए जैसे तो हमारे कई कदम चल रहे हैं, चाहे उसमें इसराइल हो, चाहे उसके अंदर लखवार डैम, पिसाउ डैम, प्लस का डैम, इन सबके विषय चल रहे हैं। और पिछले 2 वर्ष से हमने एक मुहिम और चलाई कि लोग धान की बजाय कम करें, क्योंकि 1 किलो चावल में 4,000 से 5,000 लीटर पानी छूटता है। तो किसानों को अपील की थी, जहां पानी बहुत गहरा चला गया, खास करके अगर मैं कहूँ तो 40 मीटर से भी नीचे पानी जहाँ चला गया है, ऐसे क्षेत्रों में किसानों को अपील की थी कि अपने धान की बजाय कम करें। मुझे खुशी इस बात की कि अभी तक 55,000 हेक्टेयर जमीन के ऊपर होने के लिए लगभग 42,000 किसानों ने और अपने फार्म भरे थे कि बड़ी संख्या में किसान आगे आ रहे हैं। हमारा टारगेट है 1,00,000 हेक्टेयर का, तो 1,00,000 हेक्टेयर तो बहुत सी जगह पर फार्म भरे जा रहे हैं। और अभी धान की बिजाई में समय भी शेष है कि जून के महीने में मुझे लगता है अपने टारगेट को पूरा करेंगे और किसान आगे आ रहे हैं। सिरसा ब्लॉक और रतिया ब्लॉक में तो बहुत से किसानों ने कहा था हम धान छोड़ करके और कपास की खेती पर भी आएंगे, कुछ लोग मक्के की खेती पर आ रहे हैं, कुछ दालों की खेती पर आ रहे हैं, हॉर्टिकल्चर सब्जियां और बागवानी इसके ऊपर भी किसान आ रहे हैं। पानी बचाने की जो पहल हमने की है किसान इससे सहमत है,
कठिनाई यदि है तो एक ही है कि जिस इलाके में चुने दे दिया है और वह नाटक की जमीन है, वहां जिनको लगता है कि धान के अलावा कुछ हो नहीं सकता, वहां भी हमने कहा कि जितना भी आप पानी की रिचार्जिंग के लिए बोर करवा सकते हैं, सरकार भी उसमें सहायता करेगी, उतने बोर करवा करके पानी को जमीन के अंदर डालना चाहिए ताकि हमारा पानी जमीन का लेवल नीचे न जाए, या बिना ट्यूबवेल चलाए अगर वो धान लगा सकते हैं उसमें हमें आपत्ति नहीं है। तो ट्यूबवेल से ही पानी का जो लेवल बहुत नीचे चला जाता है और ये अपील इसलिए की है कि हम आने वाली पीढ़ियों को जहाँ जमीन विरासत में दे करके जाते हैं, पानी भी उनको विरासत में दे करके जाए, हमारी जमीन पानी के साथ ये विरासत तक जाना चाहिए, तभी हमने इसका नाम रखा है मेरा पानी मेरी विरासत। इस संबंध में आज लखनऊ ब्लॉक के किसानों से बातचीत हुई, बहुत ही सकारात्मक बातचीत रही और सब लोगों ने अपने सुझाव भी दिए और काफी लोगों ने इस बात को माना भी है कि हाँ हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो ये आज के इस कार्यक्रम का एक उद्दा जो आपके बीच में बनाया, इसी में एक योजना और जो हमने बनाई है कि जो राइस शूट्स पहले दिए जाते थे पानी नहरी पानी के, वो अब कुछ लोगों को जो पहले मिलता था राइस शूट का पानी, अब वो जितने लोग अप्लाई करेंगे जितने लेना चाहेंगे उन सबको बराबर बांट करके हर नहर के ऊपर वो पानी दिया जाएगा। और अकॉर्डिंगली पहले तो 1000 रुपए के ऊपर 750 क्यूसेक का एक पैमाना होता था, उसका 300 रुपए का रेट था, अब अगर ज्यादा किसान की मांग करेंगे तो पानी जितना देंगे उसी हिसाब से उनका रेट भी कम कर दिया जाएगा, यदि पानी 750 से कम दिया जाएगा, अगर 750 दिया जाएगा तो वही 300 रुपए का रेट रहेगा। तो ऐसी योजना कल ही हमने बताई है और इसकी घोषणा आज तक है। कोरोना का विषय ठीक आपने पूछा है, एक महामारी बहुत ही घातक महामारी पूरी दुनिया झेल रही है, पूरा देश झेल रहा है, हरियाणा में भी इसका असर है। प्रारंभ में हम बहुत अच्छी स्थिति में चल रहे थे, हमने इस कोरोना को इस आक्रमण को होने नहीं दिया, लेकिन दो तीन फैक्टर ऐसे आ गए, उन फैक्टर्स के कारण से यहाँ भी कोरोना ने अपनी मार को थोड़ा गति बढ़ाई है। उसमें मुख्य रूप से दिल्ली से आने वाले जो लोग हैं नौकरी के लिए दुकान के लिए व्यापार के लिए आते जाते हैं सब्जी मार्केट अगर वहां से भी इसका बढ़ा, इस कारण से उसका असर हुआ है, फिर भी हमारी सारी जो मशीनरी है कुछ आप संबंध है और उसको हर समय करता है कि इसको आगे ना बढ़ने दें, उसके लिए सारे हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं। कल ही योजना बना करके जितने एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे सेक्रेटरीज हैं जो विभागों के सबको हर जिले में जाकर के और वहां इसकी एक प्रकार से रिव्यू करेंगे और जहां पे कोई कमी दिखाई देगी चाहे वो स्वास्थ्य की सेवाओं में या मेडिकल जो हमारे कॉलेजेस हैं उनकी सेवाओं में, कॉलेज की सेवाओं में या जो भी कोई वहां करना पड़ेगा पुलिस की सेवाओं में, इन सब बातों का रिव्यू करके जहां और प्रबंध करने पड़े तो सारे दूसरे सुझाव अच्छे आए हैं। एक तो ये था कि जो ढांचा का जो बीज है उस पर भी पानी काफी लगता है, उसको भी रिमूव करना चाहिए कि वो हमको बोना चाहिए कि नहीं बोना चाहिए। दूसरा सुझाव आया कि ज्यादा किसान जो है डीएस था किस पद्धति से अगर धान की बिजाई करते हैं तो उससे भी पानी लग सकता है। रिचार्जिंग के लिए आया कि रिचार्जिंग में बोरवेल ज्यादा से ज्यादा किया जाए ताकि पानी नीचे जाए, ऐसे विभिन्न जो सुझाव आए हैं। बागवानी के लोगों ने सुझाव दिया कि वो भी बागवानी करेंगे तो उसमें से उस इलाके में बागवानी अच्छी हो सकती है, उससे भी पानी बचेगा और हमारा जो प्रबंध पूरा होगा। हमने ये निर्णय तो लिया है कि कब तक नहीं खोलेंगे, यानी 15 जुलाई तक कॉलेजेस नहीं खुलेंगे, 15 अगस्त तक सेकेंडरी स्कूल नहीं खुलेंगे, 31 अगस्त तक प्राइमरी स्कूल नहीं खुलेंगे, मूल्यांकन उसका रिव्यू करेंगे, उस समय क्या स्थिति होती है, बाद में कब खुलेंगे कब नहीं खुलेंगे उस समय क्या करेंगे, लेकिन अभी तो जो वर्तमान स्थिति है इसमें इस समय तक कोई भी परीक्षाएं जो है कॉलेजेस की फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं हैं वो सभी जुलाई महीने में यूनिवर्सिटीज के माध्यम से वो सब कराई जाएंगी। जो फाइनल सेमेस्टर है उनकी परीक्षाएं होंगी, जो फाइनल सेमेस्टर को छोड़ करके बाकी सेमेस्टर जितने हैं उनको उनकी एवरेज बेसिस के ऊपर सबको पास कर दिया जाएगा। जीरो एजुकेशन का मतलब होता है कि एजुकेशन ना कराए, अगर एजुकेशन ना कराए तो हर किसी का एक साल खराब करना ये किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। एजुकेशन के नए नए प्रकार होते हैं वो तो खुले जाएंगे,
लेकिन जीरो आइटम मतलब एडमिशन कराएंगे नहीं, ये तो बोल रही तो सरकारें होंगी, नए प्रकार के सिलेबस बनाएंगे, नए प्रकार की पढ़ाई के जो सिस्टम बनाएंगे, प्रकार बनाएंगे, उस हिसाब से होगा। मुख्यमंत्री जी, साथ में जो विवाद हुआ बीजेपी के और मार्केट के कमेटी के टीम के बीच में, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से कल महिला आयोग की टीम आपूर्ति और बाकी सामाजिक संगठन अपने तरीके से काम करते हैं, वो सब कर रहे हैं। पुलिस की जो भी फाइंडिंग आएगी, जो इन्वेस्टिगेशन आएगी, उसके हिसाब से दोषी को बख्शाने जाएगा, निर्दोष के साथ कुछ ऐसी अन्याय हो जाएगा। क्या लगता है आपको मैं बता दिया जितना बता, पुलिस की जो भी कार्रवाई होगी, जो भी मैसेज बनाएंगे उसके हिसाब से बताया जाएगा। इंडस्ट्री के कारण से पानी का प्रदूषण तो होता है, लेकिन इंडस्ट्री चलाना भी हमारी अनिवार्यता है। पानी कैसे प्रदूषण उसका कम हो, इसके लिए विभिन्न जो प्रबंधन किए जाएंगे। अब कोरोना के कारण से नदियों का पानी साफ हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि सारी उम्र कोरोना रहेगा, सारी उम्र इंडस्ट्री बन जाएगी। धान के अलावा कुछ नहीं होता, वहाँ भी कई प्रकार के प्रकरण करेंगे, पानी के निजात के लिए बोरवेल लगाएंगे। उस इलाके में भी हमने यूनिवर्सिटी के लोगों को उठाया डिपार्टमेंट के माध्यम से कोई डेमोन्स्ट्रेशन मकान पर एरिया, उसमें तय किया जाएगा क्या चीज हो सकती है। उनका कहना कि बागवानी हो सकती है, बाग बगीचे के जो पेड़ होते हैं उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, इसलिए उस इलाके में पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो ऐसा पेड़ चल रहा है, दो दो चीजें करना संभव है। किसान को किसी किसान का आयत नहीं होने देंगे, किसान के हित की चिंता। किसान मांग कर रहे हैं कि गुना शुगर मिल चालू किए जाए ताकि वो गन्ना बेच सके। गुना शुगर मिल हमारे पास नहीं है, गुना शुगर मिल समाप्त हो चुकी है।